रात को जो है बास को मैं यहाँ बंद करके चला गया था, क्योंकि पिंजरे के अंदर जो है काफ़ी ज़ख्मी हो रहा था। तो मैंने बोला भाई ये यहाँ सही है, खुला रहेगा, खाना वाना भी खाया यहाँ पे, इसको एक चूजा डाल दिया था मरा हुआ, तो मैं खा वा लिया, पानी वानी यहाँ रख के गया था। इसको मैंने रहमान से पूछा क्या करें, तो उसने बोला भाई इसको बंद करते। मैंने नहीं यार इसको खुला रखना है, क्योंकि बेचारा बहुत ज़ख्मी हो रहा है, पिंजरे के अंदर इसके पैर भी ज़ख्मी हो गए और इसका पर भी ज़ख्मी हो गया था, दवाई ववाई लगाई, काफ़ी खून निकल रहा था। मैंने बोला नहीं यार अब नहीं इसको वहाँ रखना, बहुत कम जगह है, और ये कि अब इसको खुला रखेंगे। कल रात को फिर जो है हम लोग इसको खुला रख के यहाँ चले गए, और ये सारे परिंदे यहाँ खुले हैं, और गेट बंद करके गया था। मैंने बोला ऐसा ना हो अटैक कर ले रात को एक दफ़ा, और आके मैं जो है यहाँ देख के गया था कि भाई ऊपर चढ़ के तो नहीं बैठा, ये अपनी जगह पे बैठा रहा। ये चीज़ का इसका फ़ायदा है कि ये अपनी जगह से हिलता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों रात में जो है मैं दो चेंजिंग करके गया था, एक चेंजिंग ये कि मैं बास को जो है यहाँ से खोल के अंदर बंद कर गया था, क्योंकि काफ़ी जगह जो है कंजेस्टेड हो रही थी और बेचारा बहुत ज़ख्मी हो रहा था, तो ये समझे कि अच्छा नहीं था उसके लिए। मैंने बोला यार इससे अच्छा खुला रहने दो, ये मुर्गियाँ सारी और यहाँ बाहर खुले हुए थे, और गेट बंद करके उसको मैंने अंदर बंद किया हुआ था। और दूसरी चेंजिंग ये की थी कि यहाँ से सारे चूजे यहाँ शिफ्ट कर दिए थे, क्योंकि यहाँ जगह बहुत कंजेस्टेड थी और यहाँ एक दूसरे के पैर के नीचे आके दब रहे थे और मर भी रहे थे उसकी वजह से। और नीचे जो है काफ़ी खुली जगह बेहतर है काफ़ी। दो चूजे अभी मरे आज, वो दबने के से नहीं मरे, वो वैसे ही मरे। और इधर एक गलती मैंने की कि मेरे को फीड जो है यहाँ बंद कर देनी चाहिए थी, और इनको बाजरा खिलाना चाहिए था। मैं बाजरा नहीं खिला रहा था, इनको फीड खिला रहा था, पर ये कि अब बाजरा खिला रहा हूँ। माशाल्लाह काफ़ी चूजे जो बेहतर वैसे तो काफ़ी डाउन हो गए थे, अभी सही हो गए, क्योंकि फीड जो है काफ़ी गर्म होती है। और पानी की भी जो है इनके अंदर चेंजिंग कर दी थी, क्योंकि पहले कटोरे में खुले में डाल रहा था तो उसमें जो है ये भीग जाते थे, जिसके अंदर मर भी रहे थे और पानी गंदा भी बहुत जल्दी होता। अभी जो इसमें डालता हूँ तो इससे ये फ़ायदा है कि पानी गंदा होता है, इतना गंदा नहीं होता जितना कुंडे में गंदा होता, और ना ये इससे भीगते हैं। और अभी आप देख रहे हैं माशाल्लाह काफ़ी पोक्स जो हैं जल रहे हैं, अगर ये मैं इनको फीड ही खिलाता रहता तो ये कभी भी जलते नहीं, ये बढ़ते रहते। जैसे दो तीन चूज़ों को काफ़ी बढ़ गए। बास की जगह जो अभी यहाँ बनाता हूँ, ताकि बास को यहाँ रख दूँ, क्योंकि वहाँ अब इसको नहीं रखना, उसको खुला रखना है। अभी ये अंगीठी के ऊपर ही रखते हैं, अभी फिलहाल अंगीठी के ऊपर ही रखते हैं, ताकि ये अंदर आराम से यहाँ बैठ सके। पानी वानी भी रख देते हैं यहाँ पे। चलो भाई तुम्हारी जगह यहाँ बना लो खुली, और यहाँ तुम आराम से रहना, समझे, क्योंकि वहां तुम्हारे लिए अब जगह नहीं है। पिंजरे के अंदर बंद करूंगा तुम जख्मी हो जाते हो, बाहर छोड़ूंगा तो तुम परिंदे खा लोगे, इसलिए अब तुम्हें वहां मैं बंद करूंगा, सही है। मैं आ रहा हूं अभी हाथ को पहन के, फिर वहां तुम्हें लेके चलता हूं। ये सब भी काफी भूखे हैं, अब जल्दी से इनको भी दाना डाल देता हूँ। आ जाओ जल्दी से सब, पानी वानी भी चेंज कर दूं, फिर मास्टर केज में चलता हूं। आयो मास्टर केज जो है अब सुनसान हो गया, क्योंकि इसमें से जो है चूजे चले गए, बस मास्टर केज के अंदर कबूतर हैं और स्ट्रॉबेरी फिंच हैं, डव हैं, गोल्डियन हैं, मुर्गाबी हैं इधर, और इसके अलावा चकोर और बटेर भी हैं। पर जो है चूज़ों से जो इधर रौनक लगी होती थी वो रौनक ख़त्म हो गई इधर, अब ये सन्नाटा सन्नाटे हुआ हुआ इधर बिल्कुल, आप देख सकते हैं ना ज़्यादा शोर शराबा सारा बाहर हो गया, यहाँ पे इतना शोर शराबा नहीं है। अब यहाँ ऐसा परिंदा लाके छोड़ेंगे जो शोर शराबा करे और आप इन सब के साथ मिल के रहे, चूजों की तरह नहीं कि इन लोगों को तंग करता रहे। चलो भाई
तुम्हारा ही पानी चेंज कर देते हैं। वैसे तो अब यहाँ मास्टर केज की सफाई कर दूंगा, और अब तो बिल्कुल मना कर दिए मुझे कि भाई चूज़े तो अब गलती से भी ना सोचना भी नहीं लाने का, क्योंकि चूज़े जो हैं अगर पैसे ज़ाया करने तो चूज़े ले आओ, और पैसे नहीं ज़ाया करने तो मुर्गियाँ लेके आओ ताकि वो जल्दी सेट हों, अंडे दें, और यहाँ पे फिर बच्चे बच्चे वो निकालेंगी, वो बच्चे संभाले जाएंगे, ये नहीं संभलते फिर। आ जाओ सब, फिंचिस को जो है आज मेरा ख्याल है 7-5-6 दिन या 7 दिन हो गए, 2-3 दिन इनको जो है मोशन की दवाई का पानी पिलाता रहा, फिर उसके बाद जो है अब इनको पेनाडोल का लगातार पानी पिला रहा हूँ। मैंने बोला अगर किसी भी परिंदे को बुखार हो तो ख़त्म हो जाए, क्योंकि काफ़ी जो है सुस्त बैठी रहती हैं, अब वो समझ नहीं आता कि वो क्या हवा लग रही है, उनको क्या मसला है। अभी 1-2 दिन और चेक करूँगा, अगर पेनाडोल से इनको फ़र्क नहीं पड़ा तो इनकी एक दवाई आती है कोलिसोल, वो सर्दियों में यूज़ की जाती है, पर मैं जो है गर्मियों में भी इनको यूज़ कर लूँगा, क्योंकि पर फुला के बैठना और ये वो सुस्त जो हो जाती हैं फिंचिस उनके लिए, तो वो अगर आज देखूँगा अगर आज बेहतर नहीं हुई फिंचिस तो कल से जो है कोलिसोल वाला जो है पानी पिलाऊँगा, ताकि जो है कुछ इनके अंदर बेहतरी आए। और आज भी जो है 4-5 बच्चे जो है मर गए, इतने दिन से माशाल्लाह सही थे, कोई बच्चे नीचे गिर के मरे नहीं। भाई मेरे को यहाँ ऊपर 2-3 लग रहे हैं और 2-3 नीचे पड़े हुए थे, 2 वो निकाल दिए थे मैंने कि हाँ एक और भी मरा हुआ, 2 थे, एक बड़ा बच्चा था, 2 छोटे थे, एक बच्चा और अभी दिख रहा है मुझे यहाँ पड़ा हुआ, मतलब 6-7 बच्चे जो हैं मर गए छोटे बच्चे। अब उनको निकालूंगा और फिर उसके बाद जो है वो बच्चे जो हैं मैं मुर्गियों को खिला देता हूँ, क्योंकि मुर्गियाँ खा लेती हैं, छोटे बच्चे होते हैं तो खा लेती हैं, बड़े बच्चे जो हैं वो मैं उनको समझे के दफना देता हूँ, बाकी जितनी भी छोटी फिंचिस होती हैं मतलब 1-2 दिन के तो मुर्गियों को खिलाता हूँ, शौक़ से खा लेती हैं। और इसमें से जो है गोल्डन बफ जो मादी है उसका पार्टनर जो है वो ये वाला है, ये वाला उसका पार्टनर है, वो ऐसे ही है, ये 3 जो इनके लिए अभी कोई पार्टनर नहीं, इनका तीनों के लिए एक पार्टनर लेके आऊँगा, एक के लिए ब्लू बफ मादी लेके आऊँगा, एक के लिए जो है ब्लैक बफ, एक के लिए गोल्डन बफ, इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये 3 मादियाँ ले आऊँगा सेटअप के ऊपर इन तीनों के लिए। और ये कबूतरी जो है मैं चेंज करूँगा, इसकी जगह जो है मैं दूसरी कबूतरी लेके आऊँगा, इसने माशाल्लाह दोबारा अंडे दे दिए, इसका चेक करते हैं कि काफ़ी दिन से बैठी हुई है, अभी तक कोई इसका रिजल्ट नहीं आया, ये भी काफ़ी दिन से बैठी हुई है, माशाल्लाह इसका बच्चा निकल आया, ये देखें आप लोग इस मादी ने निकाल लिया बेचारी का, पहले भी जो अंडे ज़ाया कर दिए थे मुर्गे ने, अब जो इस दफ़ा एक अंडा ज़ाया कर दिया था, एक बच गया था। रात को जब मैं बास को दोबारा देखने आया था कि भाई ये बाहर निकला या अपनी जगह पर, ये उस टाइम पे मैंने वहाँ से ऐसी नज़र मारी तो एक जो है तोती यहाँ मुझे दिखनी रही थी, जो तोती यहाँ जख्मी थी और तोता भी नहीं दिख रहा था, तो मैं काफ़ी परेशान हो गया था, मैंने बोला चलो भाई जो जख्मी तोती थी मैं समझा उसको चूहा खा के चला गया, पर ये कि अल्लाह के हुक्म से अभी चूहा यहाँ सेटअप पे नहीं आ रहा है, लाइट वाइट जली रहती है, अगर आएगा भी तो फिर पकड़ा जाएगा और मारा जाएगा, फील्डिंग समझो उसके लिए लगी हुई है। फिर जो है मैं अभी आया सुबह चेक किया तो इस डोली के अंदर था, तो यकीन माना मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने चलो अच्छा है कि वो अपनी डोली में चली गई है, उसको कुछ हुआ नहीं और देखा है जिंदा है, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह थोड़ी सी बीमार है, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगी, दवाई तो लगाता जा रहा हूँ, जैसे लोटीनों को दवाइयाँ लगाते जा रहा हूँ वैसे उनको भी लगा रहा हूँ, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी।